तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पतंजलि वर्जिन ऑयल का रिव्यू दिखाने जा रहा हूं मैं आज आपको। ये है 500 ml की बोतल जो 310 रुपये MRP की है और आपको 310 रुपये में ही मिलेगी। ये पतंजलि की है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जमा हुआ है, मैंने इसको रात को फ्रीज में रख दिया था तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जम गया है बिल्कुल। अगर आप इसको 30 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो ये 500 ml आता है, और अगर आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रख देते हैं तो जम जाएगा बिल्कुल और आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। और ये लिक्विड रहता है लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पे, और काफ़ी अच्छा ऑयल है, और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोकोनट ऑयल है, यानी सबसे प्योर जो कोकोनट ऑयल होता है वो ऑयल है ये। हम इसे कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, खाने में, पीने में, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जो सिंपल सस्ते जो नारियल तेल आते हैं उनको हम एडिबल यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये थोड़ा महंगा आता है और इसे हम एडिबल यूज़ में ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इसका लेबल देख लीजिए। ये नेचुरल एंड नेचुरल टेस्ट एंड अरोमा, इसमें अरोमा है। और देखिए, आपको और चीज़ दिखाता हूँ एक और। ये है सिंपल पतंजलि का नारियल ऑयल। ये एडिबल नहीं है, लेकिन लोग सोचते हैं कि अभी एडिबल होगा तो वो कई बार इसे खाने में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, सिंपल तेल है जो आप हाथ पैर या फिर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने में लगा सकते हैं। ये 75 रुपीज़ का आता है। ये 200 ml की बोतल है। ये देखिए, 200 ml की बोतल है ये, और ये है 500 ml की बोतल तो 310 रुपये की है। इसमें आप छोटा भी परचेज़ कर सकते हैं, इसका नेट वेट 455 ग्राम है। ये प्योर एडिबल कोकोनट ऑयल है और ये आप मॉइस्चराइज वगैरह या फिर और कोई यूज़ में भी ले सकते हैं। साबुन भी बनती है इससे। अगर आप इससे साबुन बनाना चाहते हैं तो आप इस सस्ते वाले ऑयल से बना सकते हैं, नारियल ऑयल की साबुन। इसकी बात करते हैं हम। ये देखिए, इसमें ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है। इसमें आपको मिलेगा मदर ऑफ ऑल ऑयल्स, यानी ये मदर है सभी ऑयल्स का, यानी इसको देवताओं का तेल भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं, मेजर सोर्स ऑफ लॉरिक एसिड, लॉरिक एसिड का अच्छा सोर्स है। ट्रांस फैट भी अच्छा है इसमें, और सॉरी, ट्रांस फैट एंड कोलेस्ट्रॉल फ्री है। वन ऑफ बेस्ट मसाज ऑयल है। अगर आपके कोई दाग या कुछ भी है तो उनको ये जल्दी से ख़त्म कर देगा, और कोई आपका जल गया है या कुछ हो गया है तो उसके निशान को भी बहुत जल्दी मिटा देगा। गुड फॉर स्किन एंड ब्यूटी, इससे ब्यूटी और स्किन दोनों अच्छी होती हैं अगर आप इसे लगाते हैं। हेल्प्स टू रिड्यूस हार्ट डिजीज़ रिस्क, इसमें आप अगर इसको इसका सेवन करते हैं हर रोज़ तो इसकी हार्ट डिजीज़ का भी खतरा रुक जाता है। इसमें हेल्प्स टू रिड्यूस ओबेसिटी, अगर आप मोटे हैं तो भी आप इसको पीने से या इसको खाने में डाल के खाएंगे तो आप इससे पतले हो सकते हैं। ईजेज मस्कुलर पेन्स, यानी मस्कुलर पेन अगर आपको होता है तो उसमें भी ये राहत देगा। प्रोटेक्ट्स स्किन फ्रॉम बैक्टीरियल एंड वाइटल इन्फेक्शंस, जैसे कि आप देख सकते हैं बारिश वगैरह में कोई भी वाइटल या स्किन इन्फेक्शन हो जाता है या फिर मच्छर काट जाता है तो उस पर आप लगाएंगे तो आपको आराम मिलेगा। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोकोनट ऑयल है ये, मैंने आपको बताई दिया था। प्रीमियम क्वालिटी कोकोनट ऑयल, कुकिंग ऑयल, यानी आप इसे कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल टेस्ट एंड अरोमा, नो केमिकल एंड प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड, इसमें आपको प्रिजर्वेटिव्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो प्योर फॉर्म ऑफ कोकोनट ऑयल है इसमें आपको प्रिजर्वेटिव नहीं मिलेगा और ना ही कुछ और जो ये होते हैं स्टेबलाइजर्स, ये मिलेंगे। यह 500 ml की बोतल, इसकी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, एनर्जी है पर 100 ग्राम पे 898.56 कैलोरीज, प्रोटीन है 0 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 0 ग्राम, शुगर 0 ग्राम, टोटल फैट मिलेगा आपको 99.84 ग्राम, सैचुरेटेड फैटी एसिड है 90.30 ग्राम, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है 5.3 ग्राम, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है 0.9 ग्राम, ट्रांस फैटी एसिड है 0 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 0 mg है, यानी मिलीग्राम। ये इसकी पर 100 ग्राम पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। इंग्रेडिएंट्स इसमें सिर्फ वर्जिन कोकोनट ऑयल है, फ्री फ्रॉम एरिजिमोने ऑयल, मतलब इसमें कोई भी तरह का आप मान सकते हैं कि प्रिजर्वेटिव यूज नहीं है। इसकी 15 मंथ्स एक्सपायरी डेट होती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से।
अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे थोड़ा खोल के, ये काफ़ी अच्छी खुशबू आती है नेचुरल ऑयल की। ये देखिए आप देख सकते हैं ये ऐसा जम गया है बिल्कुल आइस की तरह, बर्फ़ की तरह जम गया है। अगर आप इसको लगाएंगे तो बिल्कुल भी आपको चिपचिपा महसूस नहीं होगा स्किन पे, और बड़ा ही अच्छा ऑयल है। और अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको थोड़ा चिपचिपा महसूस होगा, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा है स्किन वगैरह के लिए। ये लेकिन थोड़ा सस्ता है, तो सस्ते के ये कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है महंगा वाला। अब इसके बारे में बताता हूँ आपको, इसकी एनर्जी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ पर 100 ग्राम पे। इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड, एनर्जी है 899 कैलोरीज़, प्रोटीन 0 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 0 ग्राम, शुगर 0 ग्राम, टोटल फैट है 99.91 ग्राम, सैचुरेटेड फैटी एसिड है 91.2 ग्राम, पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है 1.8 ग्राम, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है 6.1 ग्राम, ट्रांस फैटी एसिड है 0 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल भी 0 मिलीग्राम है। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। इसमें इंग्रेडिएंट्स एडिबल कोकोनट ऑयल लिखा आता है इसमें, ये भी फ्री फ्रॉम एरिजिमोने ऑयल है, लेकिन इसे हम प्योर नहीं कह सकते बिल्कुल, लेकिन ये भी एडिबल यूज़ में काम आ सकता है, एडिबल वेजिटेबल ऑयल है इसमें, यानी ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नहीं है, लेकिन हम इसे खाने में कई लोग यूज़ करते हैं, फिर भी इसके कंपैरिजन में ये अच्छा वाला प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोकोनट ऑयल सबसे बेहतर है। ये मिलेगा आपको 75 रुपीज़ का 200 ml, ये आपको मिलेगा 310 रुपये का 500 ml। देख सकते हैं आप बेस्ट बिफोर 15 मंथ्स फ्रॉम पैकेजिंग, इसमें भी 15 महीने की एक्सपायरी है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, आप इन दोनों ऑयल्स को यूज़ करके देखिए और कुकिंग में भी यूज़ करके देखिए, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको दोनों ऑयल में से कौन सा अच्छा लगा और स्किन के लिए कौन सा अच्छा लगा। अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल हिंदी ज्ञान टेक 1 को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।